है बाबर आजम की, एक बार ये फोटो आपने उतारी थी गुस्से में, हाँ वो T20 विश्व कप के टाइम उतारा था मैंने इतना गुस्सा कैसे हो जाते हो? यार, मतलब मार रन बना नहीं रहा था, हालांकि उतारने के बाद में सेमीफाइनल मैच में रन बना दिया था मैच में जिला दिया था इसने, जब मैंने ग्रुप मैचेस खत्म हुए थे, जब सेमीफाइनल मैचेस आए थे तो उसमें इन्होंने आई थिंक 54 रन के आसपास में बनाया था और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में, फिर मैंने लगा लिया यार चलो ठीक है यार फॉर्म खराब होता है, और एशिया कप एंड T20 विश्व कप इनकी लाइफ का सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला फेज रहा है, और मुझे फिर भी हैरानी होती है कि ये बंदा लास्ट ईयर 2500 से ज्यादा रन कूट गया, बिल्कुल भाग टॉपिस को रन है भरोसे, अगर एशिया कप में इसका बल्ला चल गया हो रहा था, T20 वर्ल्ड विश्व कप टाइम में इसका बल्ला चल गया था, संगकारा का रिकॉर्ड टूटा संकारा का होता। रिकॉर्ड टूट जाना था। मैंने अनाउंस भी किया था कि तोड़ देंगे इस बार, हालांकि वो नहीं हुआ। मैंने 5-6 महीने पहले ही कहा था कि तोड़ देंगे, मामूली अंतर से रह गए, वही जो दो टूर्नामेंट आप बतला रहे हैं, एकदम से खामोश चला गया था। एनीवे अविनाश, अब बढ़ते हैं आगे, PSL पे चलते हैं। पहले मैं अपनी बात बता दूं, मुझे लगता है कि PSL में इस बार भी सबसे दमदार टीम जो है लाहौर कलंदर्स की ही है, क्योंकि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होती है आमतौर पे T20 में आप देखेंगे बड़े टूर्नामेंट में लीग में, वो टीम अच्छा करती है, चाहे गुजरात टाइटंस हो, चाहे 21 में ऑस्ट्रेलिया, चाहे 22 में इंग्लैंड पाकिस्तान, 7-8 बॉलर ये लोग लेके चलते हैं। लाहौर में भी बॉलिंग बहुत